भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मेरे मित्र श्रीमान विजय गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में नेतृत्व कर रहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्रीमान सिद्धू जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपकी क्षमा मांगता हूं। मैं उज्जैन से समय पर पहुंचना चाहता था यहां, लेकिन मुझे पहुंचने में विलंब हुआ और मुझे बताया गया कि आगे बैठने की स्पर्धा में कुछ लोग 4 बजे से आके बैठे हैं। तो भाइयों बहनों, आपको जो कष्ट हुआ इसके लिए मैं फिर एक बार क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने ये जो कष्ट झेला है, आपने घंटों तक इंतजार किया है, तपस्या की है, भारतीय जनता पार्टी आपकी इस तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने देगी। भाइयों बहनों, दिल्ली का चुनाव अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया में हर देश की प्रतिष्ठा उसकी राजधानी से जुड़ी हुई होती है। हर देश कितना ही गरीब क्यों न हो, कितनी ही तकलीफों से न गुजारा करता हो, तो भी विश्व के सामने अपनी राजधानी इस रूप में पेश करता है ताकि दुनिया में धीरे धीरे वो अपना प्रभाव पैदा कर सके। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्य भी देश की राजधानी से ज्यादा अच्छे हैं। हिंदुस्तान के छोटे छोटे महानगर भी दिल्ली की राजधानी से ज्यादा साफ सुथरे हैं, ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये द्वारिका के इलाके में मैं आया हूं और मैं असली द्वारिका से आया हूं। लेकिन असली द्वारिका टैंकर वाली द्वारिका नहीं है, ये द्वारिका टैंकर वाली द्वारिका है। मित्रों, लोग सवाल करते हैं कभी कभी कि मोदी जी, आपके पास गुजरात मॉडल है, वो है क्या? ऐसा पूछते हैं। क्या वो कहीं लागू पड़ेगा क्या? ऐसा पूछते हैं। भाइयों बहनों, मैं मॉडल की चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक समस्या को आज हाथ लगाना चाहता हूं। आप देखिए, आप यमुना जी के पास बैठे हैं और फिर भी पानी के लिए तरस रहे हैं।
गुजरात के अंदर 4000 गांव ऐसे थे 2001-2002 में, जिन 4000 गांवों को टैंकर से पानी दिया जाता था और टैंकर ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उद्योग है। आधा टैंकर भरो, 5 चक्कर काटे हो, 10 लिखवाओ, पानी कहीं से भी भरो, कहीं भी डालो, बहुत बड़ा खेल है वो, बहुत बड़ा खेल है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की भारत की सीमा पर हमारे जो जवान देश की सेवा करते हैं उनको पानी के लिए कभी 900 ऊंट लगाए गए थे रेगिस्तान में, 900 ऊंट। और ऊंट रेगिस्तान में पानी ले जाते थे। भाइयों बहनों, इस 8 साल के भीतर भीतर मध्य प्रदेश के किनारे पर नर्मदा का पानी उठा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हमारा जो जवान तैनात था उसे नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम हमने किया। दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन डाली, दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, 9000 गांवों में पानी का शुद्ध पानी पहुंचाया गया। और पाइपलाइन की साइज का आप अंदाज कर सकते हैं, 9000 गांवों में नर्मदा का जो पानी पहुंचाया है उस पाइप की साइज शीला दीक्षित जी, उनके सुपुत्र जी, उनकी बहू हमारी गुजराती है, ये सब मारुति कार में बैठ करके उस पाइप के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। ये साइज है पाइप का। आप कल्पना कर सकते हैं कहां नर्मदा, कहां हिंदुस्तान की सीमा, 9000 गांवों में पानी पहुंचाया जा सकता है। और ये सारा काम 8 साल के भीतर भीतर हुआ। मैडम शीला जी, आप 15 साल से विराजमान है, 15 साल से आप दिल्ली को पानी तक न दे पाए और हमें पूछते हैं कांग्रेस के लोग मॉडल क्या है। मुझे बताइए भैया, इससे बड़े मॉडल की जरूरत है क्या? नहीं, पानी के लिए इससे बड़ा कोई आइडिया चाहिए क्या? क्या कोई दुनिया में से बड़े कंसल्टेशन लाना पड़ता है क्या? होता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा मुझे बताइए मित्रों, ये यमुना जी किया शुद्धिकरण, ठीक है, जरा मैं थोड़े सैंपल देना चाहता हूं। क्योंकि ये ऐसा है भाई, मेरी मुसीबत ऐसी है कि मैं एलिट क्लास से नहीं आता, मैं सामान्य गरीब परिवार से आता हूं। और दिल्ली की जो एलिट क्लब है वो मुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकती, उनके लिए मैं उनकी आंखों में छुपता रहता हूं। ये क्या करेगा, ये क्या बोलेगा, ये कैसे करेगा, है पता नहीं क्या क्या स्टोरियां चलती हैं। मैं तो भाइयों बहनों, मैं एक और सैंपल देता हूं, और वह 3-3 पीढ़ी से जो लोग राजनीति में हैं, दुनिया के अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूट में जिनको पढ़ने का सौभाग्य मिला है और जिनको आप लोगों ने 15-15 साल तक राज करने का
अधिकार दिया, अवसर दिया है। एक गांव का गरीब का बेटा बोल रहा है आज। भाइयों बहनों, आपने यमुना जी की सफाई के लिए कहते हैं 3000 करोड़ खर्च किए, 3900 करोड़ खर्च किए। यमुना जी साफ हुई क्या? कोई सुधार हुआ क्या? आपका गौरव बढ़े ऐसा कुछ हुआ क्या? मैं दिल्ली वासियों को निमंत्रण देता हूं, यहां की एलिट क्लब को निमंत्रण देता हूं, आइए एक गरीब गुजराती के गुजरात में आइए, मेरे यहां साबरमती नदी को देख लीजिए, उस पर बने रिवर फ्रंट को देख लीजिए, और वो भी सिर्फ 900 करोड़ रुपए में। आप कहिए मित्रों, इसको मॉडल मानो या ना मानो, लेकिन क्या दिशा सही है कि नहीं है? रास्ता सही है कि नहीं है? समस्या का समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई बहनों, तीसरा सैंपल दे दो। BRTS, आपको हैरानी होगी, BRTS का पूरा प्लानिंग किया हम लोगों ने और भारत सरकार को भेजा। उनको लगा ये मोदी क्रेडिट ले जाएगा। उनके मन में आया कि ऐसा करो, पहले दिल्ली में इसको लगा दो, तो गुजरात की डिजाइन का जेरोक्स करके यहां प्लान मंजूर करके पैसे मार लिए। भाई BRTS सफल हुई, यहां हुई। भाइयों बहनों मेरे, अहमदाबाद में आइए, सूरत में आइए, राजकोट में आइए, यूनाइटेड नेशंस उसको अवार्ड दे रहा है। हम अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं, हम सामान्य गांव के आदमी हैं, करके दिखाया है। भाइयों, हम एलिट क्लब की दुनिया से नहीं आते हैं, हम सामान्य परिवार से आकर के काम करके दिखाया है। सब दुनिया के डेवलप कंट्रीज के लोग अहमदाबाद का BRTS का मॉडल देखने के लिए आते हैं। मैं भी आपको निमंत्रण देता हूं, 4 तारीख को चुनाव समाप्त होने के बाद जरूर एक बार नजर करिए, उसके पहले नहीं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, अगर आपके इरादे नेक हो, आप जनता जनार्दन के दुखों के सुखों के साथ जुड़े हुए हो, तो समाधान के रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अच्छा दिल्ली एक सिटी स्टेट है, ये आपका दिल्ली का जो साइज है ना, मेरे यहां रेगिस्तान उससे 10 गुना बड़ा है, रेगिस्तान उससे 10 गुना बड़ा है। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां के मुख्यमंत्री को काम क्या है? उसको कोई रेगिस्तान संभालना पड़ता है? उसको समुद्र तट पर कोई संकट आता है तो देखना पड़ता है? उनको किसान की फसल खराब हो गई तो कोई चिंता है? कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी काम होता नहीं है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण यह है, और जब तक हम इस कारण को नहीं समझेंगे, हम गलतियां करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ये मन से मान चुकी है कि ईश्वर ने हमको सत्ता के लिए ही पैदा किया है, जनता हमारी जेब में है, जाएंगे तो कहां जाएंगे? कभी मोदी का डर दिखाएंगे, कभी भाजपा का कोई जनरल कोई मुद्दा लेकर के उठा देंगे, डराते रहेंगे लोगों को और वोट बटोर लेंगे। भाइयों बहनों,
जो दल जनता के दुख दर्द और पीड़ा संवेदना के साथ धरती से जुड़ा हुआ इंसान, अगर उसको कोई दायित्व तो मिलता है तो दिन रात जागता है, समस्याओं के समाधान के लिए दौड़ता है, वो ऐश और सुख में नहीं पड़ जाता है। कांग्रेस के लोग सत्ता सुख के आदि हो गए हैं। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी बड़ी कमाल की पार्टी है, उन्होंने नाम भी बदले, निशान भी बदले, नीतियां भी बदले। हर बार देखिए आप, कभी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी किसी विदेशी ने जन्म दिया था, चलते चलते वो कभी संस्था कांग्रेस हो गई, कभी वो कांग्रेस आई हो गई, कभी वो सिंडिकेट हो गई। आज भी कांग्रेस के एक डजन करीब नाम बाजार में चलते हैं। कई प्रकार के नामों से ये पार्टी ने जन्म लिया, चलती रही, निशान भी बदले। पहले दो बेल लेकर के आते थे, बेल उनके कत्लखाने चले गए, फिर गाय बछड़ा लेकर के आए, वो बांग्लादेश चला गया, फिर हाथ लेकर के आए। पार्टी के नाम बदले, निशान बदले, नीतियां भी बदली। कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, डिगना फलाना सब सरकार में जमा कर लो और उसी की वाहवाही करके चुनाव जीत लिया। नरसिम्हा राव आए, सब छोड़ दो, रिफॉर्म करो, उलट कर दिया, सारा उलट करके फिर कहते हैं चुनाव जीत लो। यानी सब नीतियां चुनाव जीतने के लिए, देश के लिए नहीं, देश के भविष्य के लिए नहीं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस में अगर नहीं बदला है तो एक ही बात नहीं बदली है, और वो नियत नहीं बदली है। इनकी नियत ऐसी है, उस नियत को लेकर के कभी देश का भला नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी वो भ्रष्टाचार में तो लिप्त है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी भ्रष्टाचार करते हैं जो देश की आन बान शान को गहरी चोट पहुंचाते हैं, और उनको अंदाज नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे आदत हो गई है उनको कि वो भ्रष्टाचार किए बिना जी नहीं सकते जी, उनकी आदत हो गई है, उसके बिना वो रह नहीं सकते। भाइयों बहनों, कॉमनवेल्थ गेल्ट का भ्रष्टाचार, हर एक लोग इसकी चर्चा करते होंगे, लेकिन मैं आज उसको दूसरे तरीके से चर्चा करना चाहता हूं। मैं सिर्फ उसे रुपये पैसे मारने वाली घटना के रूप में देखता नहीं हूं, वो तो पाप किया है उन्होंने, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया देश की इज्जत लुटा दी इन्होंने। भाइयों बहनों, आप देखिए, दुनिया का हर देश अपने यहां कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अवसर होता है उसका उपयोग पूरे विश्व में अपने देश के ब्रांडिंग के लिए करता है, देश की इज्जत का बढ़ावा हो, विश्व में देश का लोहा माना जाए, इसके लिए काम करता है। लेकिन आप देखिए, कोरिया कोई समृद्ध देश नहीं था, कोरिया के पास 15-20 साल पहले ओलंपिक का खेल आया, उसने ओलंपिक खेल का ऐसा ब्रांडिंग किया, ऐसा ब्रांडिंग किया, दुनिया को कोरिया का लोहा मानना पड़ा। अभी 2020 में जापान में ओलंपिक होने वाला है, मैं 3 साल पहले जापान गया था, जापान की हर चीज पे
हर नागरिक को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि 2020 टोक्यो बिस्किट है तो उस पर लिखा हुआ है, चाय का सेट है उस पर लिखा हुआ है, हर दुकान पे, हर रिसीट पे, हर कार पे, हर टिकट पे, पूरे देश में 2020 के ओलंपिक को लेकर के देशभक्ति जगाई गई है, देशभक्ति जगाई गई है, पूरे देश को एक ऐसा माहौल बना दिया है। हमने क्या किया? हमने कॉमनवेल्थ गेम्स से न दिल्ली को खड़ा किया, न दिल्ली के दिल को जीतने की कोशिश की, न हिंदुस्तान को, न हिंदुस्तान का गौरव बढ़े ऐसा कुछ किया, न हिंदुस्तान का गौरव बढ़े ऐसा कुछ किया। और रुपये खाए वो अलग, पूरे दुनिया में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये भ्रष्टाचार से भी भयंकर अपराध है, पर इनको इसकी कोई परवाह नहीं है। आप मुझे बताइए भैया, आपके घर में, आप तो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं सब लोग, आपने कभी घर में कोयला ताले में रखा है? जरा बताइए ना, घर के बाहर पड़ा रहता है ना, कोयला कभी ताले में रखा है? नहीं रखा है ना। आप कल्पना करिए, कोयले की कोई चोरी नहीं करता है, कभी नहीं करता है, करता है क्या कोई कोयले की चोरी करता है भैया? ये दिल्ली में ऐसी सरकार है, कोयला खा गए कोयला। आज देश में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े हैं। 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करना की क्षमता है, एक तरफ अंधेरा है, जनरेटर से जिंदगी चलती है, दिल्ली को बिजली चाहिए, बिजली मिलती नहीं है, और दूसरी तरफ 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। आप कहिए भाइयों, कौन जिम्मेवार? क्यों केंद्र सरकार को लकवा मार गया है? क्यों? क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा है। कोयला क्यों नहीं मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट डंडा मार रही है, और सुप्रीम कोर्ट पूछती है क्या हुआ, तो बोलते फाइल खो गई है। फाइल खो गई है क्या? पूरी सरकार खो गई है। भाइयों बहनों, कांग्रेस वादा खिलाफी करती है, वादा खिलाफी। आप मुझे कहिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा वादा किया था? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो, कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था? महंगाई कम हुई, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी? भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे? हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे? भाइयों बहनों, और महंगाई के लिए ये क्या जवाब देते हैं? श्रीमान चिदंबरम जी बेंगलोर गए थे, बेंगलोर जाकर के उन्होंने कहा, बेंगलोर में कहा कि आप 15 रुपये की बोतल का पानी पीते हो, 20 रुपये का आइसक्रीम खाते हो, और चावल गेहूं में 1 रुपया बढ़ जाता है तो चिल्लाते हो। आप मुझे बताइए भाइयों, ये देश के राज करने वाले लोगों की ये भाषा होनी चाहिए? ये गर्मी होनी चाहिए? ये अहंकार होना चाहिए? क्या समझते हैं जनता को? यहां दिल्ली में एक बड़े बुद्धिमान नेता रहते हैं, बहुत बुद्धिमान है, अपने आप को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। उन्होंने अभी मजेदार बात कही, उन्होंने कहा सब्जी इसलिए महंगी हो गई है, महंगाई इसलिए बढ़ी है, वो कहते हैं गरीब पहले
सूखी रोटी खाता था, लेकिन अब गरीब दो दो सब्जी खाता है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। आपके गले उतर दिए बात भाई, आपको ये चीज समझ आती है? अब बताइए, ऐसे लोग देश चला रहे हैं, आपका क्या होगा? आप कल्पना करो, ऐसे नेता जो ये कहें कि दो सब्जी खाते हैं इसलिए महंगाई बढ़ी है, भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब इन्फ्लेशन 3.9% था, 4% से भी कम था, और आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, इन्फ्लेशन 11+ है, 11+। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं, आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां आया, देर से आया तो सॉरी बोला कि नहीं बोला, आपकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी, एक बार नहीं दो बार मांगी कि नहीं मांगी? इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्र, यह गरीबी का हाल कर दिया है। भाइयों बहनों, भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे एक काम दिया था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री जी ने, ये जब महंगाई का तूफान बहुत बढ़ गया और प्रधानमंत्री परेशान थे, चारों तरफ से दबाव था, तो एक सभी मुख्यमंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाई थी, तत्कालीन बैठक बुलाई थी, और उसमें मुझे एक काम दिया, और चार मुख्यमंत्रियों की हमारी एक कमेटी बनाई, मुझे उसका चेयरमैन बना दिया, और मुझे कहा कि मोदी जी, इस महंगाई और स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, आप सुझाव दीजिए। भाइयों बहनों, हमने 20 भिन्न भिन्न प्रकार के सुझाव दिए, 62 एक्शनेबल पॉइंट दिए, जिसको आप कर सके ये करना चाहिए, ये करना इस प्रकार से। और प्रधानमंत्री जी को मैंने रिपोर्ट दी, उन्होंने देखी गौर से, और कुछ दिन बाद फिर मेरा मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, मोदी जी आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी है। इस बात को आज 2.5 साल हो गए, एक कदम नहीं उठाया गया, एक कदम नहीं उठाया गया। आप मुझे बताइए, क्या विजन नहीं है? क्या समस्याओं का समाधान के रास्ते नहीं है? मैंने उस समय उनको सुझाव दिए थे, मैंने उनको कहा था जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को सुधार करना चाहिए, उसकी स्पेशल कोर्ट बनानी चाहिए, नॉन वेलेबल वारंट रहना चाहिए, और इतना ही नहीं, उसको स्पीडी चला करके इस प्रकार की नफाखोरी करने वालों को सजा करनी चाहिए, गरीबों को रक्षित करना चाहिए। आज तक उन्होंने वो कानून की दिशा में कुछ काम नहीं किया। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब प्याज एसेंशियल कमोडिटी में था, प्रधानमंत्री ने आज प्याज को एसेंशियल कमोडिटी में रखा था, लेकिन जैसी ही यूपीए सरकार आई, उसने प्याज को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया, और उसका नतीजा यह हुआ कि आज प्याज के दाम कंट्रोल में नहीं है, और आप बिना प्याज खाए आंसू से निकल रहे हैं, यह स्थिति इन्होंने पैदा की है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, मैंने उनको एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया,
जैसे एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए अनबंडलिंग किया गया, मैंने उनको कहा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इसका अनबंडलिंग करना चाहिए, और अनबंडलिंग कर करके प्रोक्योरमेंट करने वाले अलग होने चाहिए, स्टोरेज करने वाले अलग होने चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले अलग होने चाहिए। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों एजेंसी अगर अलग हो जाएगी तो आप हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कहां कितना माल जमा पड़ा है, कहां माल की आवश्यकता है, आप उसको सही सही प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, वितरित कर सकते हो। लेकिन भाइयों बहनों, 2.5 साल हो गए उनको महंगाई की चिंता नहीं है और वे कभी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, और उसी के कारण देश की यह हालत हुई है। भाइयों बहनों, अगर उनको कुछ करना नहीं है तो छोड़ दो गादी, जो आएंगे वो करके दिखाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, उनको सामान्य मानवीय के जीवन की चिंता नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे। भाइयों बहनों, हम निर्भया को कैसे भूल सकते हैं, हम उस गुड़िया को कैसे भूल सकते हैं। और भाइयों बहनों, ये जिस प्रकार का माहौल इन्होंने बनाया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं 4 तारीख को जब आप वोट करने जाएं, मेरी प्रार्थना है कुछ चीजें याद करके जाएं, मन में स्मरण करके जाएं। 4 तारीख को याद करिए आप जब वोट करने जाएं तब, कि ये मेरी दिल्ली जिसको इन्होंने रैप कैपिटल बना दिया। याद करके जाना भाइयों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाएं तब आप याद करके जाइए कि इंडिया गेट पर निर्भया के लिए, नारी सुरक्षा के लिए नौजवान रात रात ठंड में गुजारा करते थे और उन पर ठंडे पानी की बौछार की गई थी, उस घटना को याद करना। भाइयों बहनों, जब 4 तारीख को आप वोट करने जाए तब आप उस बात को याद करना कि रामलीला मैदान में आधी रात को दिल्ली की पुलिस को जुल्म करने के लिए भेजा जाता है और रात रात लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और उसी में एक महिला का मौत हो जाता है, इस घटना को याद करना। भाइयों बहनों, जब 4 तारीख को आप वोट करने जाएं तब आप इस बात को याद करना। यही कांग्रेस के नेता हैं जो मीडिया के सामने आकर के कहते हैं मेरे मुंबई में 12 रुपये में खाना मिल जाता है, कोई कहता है मेरे मुंबई में 5 रुपये में खाना मिल जाता है। जिन लोगों ने ये भाषा प्रयोग की है, जिन्होंने गरीब के पेट पर लात मारने का प्रयास किया है, उनका भी जरा स्मरण करके जाइए। भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। आप प्याज मिलता नहीं है लेकिन एक आध प्याज लेकर के रखिए घर में, चुनाव के समय घर से वोट करने के लिए निकले ना तो उस प्याज को भी नमन करो कि अच्छे दिन आए ताकि घर में प्याज आए, उस प्याज को नमन करके निकलना। भाइयों बहनों, जब आप जाएं 4 तारीख को मतदान करने के लिए तब याद करना आजाद मैदान, जहां पर शहीदों के स्मारक को तोड़ने का प्रयास हुआ था, उस घटना को कभी भूलना मत। भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को मतदान करने जाए, जब आप 4 तारीख को मतदान करने जाए तब याद करिए कि हिंदुस्तान की सेना के जवान, उनके सर काट दिए गए थे, उनके सर काट दिए गए थे और देश की सरकार ने जयपुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन करके करा करके प्रोटोकॉल किया था, उस दिन उस स्मरण करके जाइए। भाइयों बहनों, कितनी कितनी घटना सुनाऊं मैं आपको, क्या क्या कथा सुनाऊं। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी को, ये बड़े चतुर लोग हैं, पहले आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं,
पहले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ दिखाते हैं, फिर हाथ आजमाते हैं, और मामला ठीक जम गया तो हाथ की सफाई शुरू हो जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, इनको समझने की समान बराबर जरूरत है। भाइयों बहनों, या बीजेपी अकाली दल संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहा है, कल गुरु तेग बहादुर का स्मृति दिवस है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, मेरा इस परंपरा से खून का रिश्ता है, क्योंकि जो पहले पंच प्यारे थे, उन पहले पंच प्यारों में एक मेरे गुजरात का था, और आपको पता नहीं होगा वो द्वारिका का था, वो द्वारिका का था पंच प्यारे प्यारे। और आज मैं द्वारिका में आया हूं और मैं कहता हूं भाजपा और अकाली दल दोनों को जिताना है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शहजादे, वो कहते हैं हिंदुस्तान में दो सोच है, दो प्रकार के सोच काम कर रही है। शहजादे जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस देश में दो विचार चलते हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो कौन से दो विचार हैं। मैं आज दिल्ली में आकर के आपको बताना चाहता हूं वो दो विचार क्या है। आपका विचार है भारत ये मधुमक्खी का छत्ता है, ये आपका विचार है। हमारा विचार है भारत हमारी माता है। आपका विचार है गरीबी ये मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। हमारा विचार है गरीब ये हमारे लिए दरिद्र नारायण है। आपका विचार है कि गरीबी की बात न करे, गरीबी की राजनीति न करे तो मजा नहीं आता है। ये मेरे शब्द नहीं है, आपके हैं। शहजादे जी, आप कहते हैं गरीबी की बात न करे, गरीबी की राजनीति न करे तो मजा नहीं आता है। हमारी सोच है कि हम गरीब का दुख दर्द और पीड़ा हमें बेचैन कर देती है। आपको गरीबी मजा के लिए काम आती है, हमारे लिए गरीबी पीड़ा करती है, दुख देती है, दर्द होता है, हमारी संवेदनाएं जाग जाती है। दो विचार यही है। शहजादे जी, आपकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, हमारी सोच है पैसे खेत और खलिहान में उगते हैं, और हिंदुस्तान के मजदूर के पसीने से वो पैसों का लालन पालन होता है।
पैसा हिंदुस्तान का किसान पैदा करता है, खेत में पैदा करता है। ये दो सोच में फर्क है। आपकी सोच है समाज को तोड़ो राज करो, हमारी सोच है समाज को जोड़ो और विकास करो। ये दो सोच है, इन सोचों का, दो सोच का ही तो मुकाबला है। आपकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद की प्रेरणा लेकर के काम करते हैं। आपकी सोच है राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्र नीति सब कुछ है। राजनीति और राष्ट्रनीति में आसमान जमीन का फर्क होता है। आपकी सोच है सत्ता कैसे बचाएं, हमारी सोच है देश कैसे बचाएं। ये फर्क है हमारे में और आप में। भाइयों बहनों, साहजादे जी, आपकी सोच आपको मुबारक। और यही सोच है जिसके कारण हिंदुस्तान ने सोच लिया है कांग्रेस मुक्त भारत का सपना। भाइयों बहनों, मैं कल एक समाचार देख रहा था, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी झुग्गी झोपड़ी में जा रहे थे। मैंने आज पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहां कल गए थे? उन्होंने कहा मोदी जी राहुल गांधी के घर की दीवार के बगल में ऐसी झुग्गी झोपड़ी है, 800 लोग रहते हैं, सिर्फ दो टॉयलेट है, सिर्फ दो टॉयलेट है। फिर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के घर के सामने 3000 लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और 800 शौचालय है। साहजादे जी, आप तो कैमरा की पूरी टोली लेकर के कभी कलावती, कभी फलानावती, कभी डिकनावती के यहां चले जाते हो गरीबी देखने के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में चक्कर काटते हो। आपके नाक के नीचे जो झुग्गी झोपड़ी गरीबी है, अरे कम से कम वहां टॉयलेट तो बनवा लेते। और मैडम शीला जी, आप वहां से एमएलए हैं, आप वहां से विधायक है, 15 साल से मुख्यमंत्री है, और लोग इस प्रकार की मुसीबतों से जी रहे हैं और आप दुनिया को समझा रहे हैं, गरीबी की बातें कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के सामने सिवाय कुर्सी, सिवाय सत्ता, न उनके सपने होते हैं, न उनके इरादे होते हैं, न उनकी कोशिश होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सामान्य मानव के जीवन में अगर बदल लाना है, माताओं बहनों की सुरक्षा करनी है, नौजवान को रोजगार चाहिए, भाइयों बहनों, इन्होंने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था लोकसभा के चुनाव में कि उनकी सरकार बनेगी तो हर वर्ष 1 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। भाई, आप में से किसी को दिल्ली ने रोजगार दिया है? भारत सरकार ने कोई रोजगार दिया है, नौकरी दी है? ये वादा खिला भी है कि नहीं है? अब आप तय करो इनका क्या करना है। भाइयों बहनों, कब तक झेलेगा देश? भाइयों बहनों, अभी प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के नेताओं को नसीहत दी, नौजवान मित्रों
प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेताओं का नाम लेना तो ठीक है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उन्होंने कहे हुए काम करना महत्वपूर्ण होता है। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। आपने हम भाजपा वालों को यह नसीहत दी है। भाइयों बहनों, गांधी जी ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो ना, करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। गांधी जी की अधूरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? प्रधानमंत्री ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, वो करना चाहिए। करोगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी बात मानने के लिए ये द्वारका के लोग तैयार हैं। भैया करोगे ना? महात्मा गांधी ने कहा था कि अब आजादी का आंदोलन पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है, इस कांग्रेस पार्टी को बिखेर देना चाहिए। यह महात्मा गांधी ने कहा है, नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा है। भाइयों बहनों, गांधी जी का सपना पूरा करोगे? महात्मा गांधी की इच्छा थी कि अब कांग्रेस नहीं रहनी चाहिए। 60 साल हो गए, गांधी जी का सपना बाकी रह गया है। हम लोगों का जिम्मा है कि हम गांधी जी का सपना पूरा करें, हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त बनाए और दिल्ली राजधानी को पूरे भारत में गौरव मिले, ऐसी राजधानी बनाए। इसी अपेक्षा के साथ 4 तारीख को भारी मतदान होना चाहिए, कमल के निशान पर बटन दबाना चाहिए। मैं एक नारा बुलाता हूं, बोलोगे? मैं एक नारा बुलाता हूं, बोलोगे? मैं कहूंगा पहले मतदान, आप कहेंगे फिर जलपान। करोगे? मेरी बात मानोगे? 4 तारीख को अमल करोगे? औरों से करवाओगे? तो बताऊं, नारा बोलोगे? मैं कहूंगा पहले मतदान, आप बोलिए फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। भारत माता की, भारत माता की।